अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 नंबर थ्योरी। आज हम डिस्कस करेंगे जो इसका सेकंड हाफ है, यानी 7 से लेके 14 तक क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू डिराइव फार्मूला फॉर एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। और ये हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है, हमने मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करनी है फॉर एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। तो अब मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। हमने जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट टर्म है वहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करना है। तो यहाँ पे 1 पुट किया इज इक्वल टू 1+1 होल फैक्टोरियल माइनस 1। तो इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू 1 है, और ये हमारे पास ट्रू प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि हमने के लिए सपोज करना होता है कि ये ट्रू है। तो हमने इसे के लिए सपोज कर लिया कि ये ट्रू है। तो हम इस पूरी जो ये पूरी सीरीज़ है इसमें एन की जगह पे हम के पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगी। अब हमने के प्लस वन वाले स्टेप में क्या करना होता है कि इधर के की जगह पे के प्लस वन पुट करना होता है। जो आंसर आए अगर सीरीज़ में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कर देंगे कि फॉर के प्लस वन एड k+1 × k+1 होल फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे k+1 और यहाँ पे k+1 होल फैक्टोरियल। अच्छा, इसको दोनों साइड्स पे हमने ऐड कर दिया। तो उसके बाद हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो k+1 होल फैक्टोरियल वैसे ही, उसके बाद प्लस k+1 × k+1 फैक्टोरियल पहले लिख लेंगे और माइनस वन को हम एंड पे लिख देंगे। अब इन दोनों में से k+1 होल फैक्टोरियल जो है वो कॉमन आता है, इधर ये और इधर ये। तो k+1 होल फैक्टोरियल कॉमन लिया, बाकी रह गया यहाँ पे 1, और बाकी इधर k+1 और ये साथ में माइनस 1। ये k+2 बन गया और ये साथ में माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि k+2 होल फैक्टोरियल इस पूरे को। अब ये किस तरह लिखना होता है, हमारे पास एक रूल होता है कि अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल × 4 आ रहा हो, ठीक है, यानी पहले स्मॉलर वैल्यू और फिर वो मल्टीप्लाई हो रही हो ग्रेटर वैल्यू से, तो उसे हम बड़ी वाली वैल्यू का फैक्टोरियल लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह 3 फैक्टोरियल है तो 3.2.1 और इसको मल्टीप्लाई करें 4 से तो भी 24 आता है, और अगर 4 फैक्टोरियल लें तो वो भी हमारे पास 24 आता है। तो ये स्मॉलर टर्म है, ये उससे नेक्स्ट टर्म है, तो हम नेक्स्ट टर्म का फैक्टोरियल लिख देंगे माइनस 1। अब के प्लस 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि k+1 + 1 होल फैक्टोरियल, यानी 2 को हमने इस तरह लिख लिया और माइनस 1। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि हमारे पास था n+1 होल फैक्टोरियल माइनस 1, तो n+1 की जगह पे k+1 और फिर +1 और साथ में -1। तो इस तरह ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एट में हम क्या करेंगे कि उन्होंने क्या वेरीफाई दैट फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हमारे पास जो ये सीरीज है। अब पिछले सारी सीरीज में हमारे पास एडिशन का साइन था, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इधर k+1 वाले स्टेप में भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली इधर कंडीशन 1 की है तो n = 1 के लिए चेक करेंगे। इधर लास्ट टर्म में हमने n की जगह पे 1 पुट कर दिया तो हमारे पास ये 2 = 2 जो है ये ट्रू प्रूव हो गया। फॉर n = k के लिए हमने सपोज कर लिया कि ये ट्रू है, तो n की जगह पे हमने k पुट कर दिया। अब जब k+1 के लिए देखना है तो क्योंकि सीरीज़ में मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4k+2 को। 4k+2 को क्यों किया, क्योंकि हमने क्या करना होता है कि इधर k की जगह पे k+1 पुट करना है। तो ये बन जाएगा 4k+4 − 2, तो +4 और −2 + 2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 4k+2 ऑन बोथ साइड, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको बस सिर्फ आगे हमने सिंपली सॉल्व कर देना है कि 2k होल फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल और साथ में 2 × 2k+1, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि 2k होल फैक्टोरियल ये एज इट इज़ 2k+1 पहले लिख दिया और ये 2 इधर बाद में लिख दिया, और साथ में हमने k+1 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये इसका 2k होल फैक्टोरियल × 2k+1 × 2k+2 ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया ओवर k+1 होल फैक्टोरियल, क्योंकि k फैक्टोरियल और k+1 को जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जब उसे नेक्स्ट टर्म हो तो हम नेक्स्ट टर्म का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो हमने k+1 का फैक्टोरियल लिख दिया। और ऊपर वाली चीज़ें वैसे ही हैं कि 2k होल फैक्टोरियल देन 2k+1 और ये 2 जब इस k+1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2k+2 बन गया।
अब यहाँ पे देखा जाए तो टू के है, फिर उससे नेक्स्ट टर्म है, फिर उससे नेक्स्ट टर्म है, तो वही रूल के लास्ट जो सबसे बड़ी टर्म होती है उसका फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। तो 2k+2 होल फैक्टोरियल ओवर k+1 फैक्टोरियल, तो इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी रह गया k+1 फैक्टोरियल ओवर k+1 फैक्टोरियल। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि 2 यहाँ पे k+1 आना चाहिए था ना, 2 × k+1 होल फैक्टोरियल, तो ये वो चीज़ बन गई, ओवर n फैक्टोरियल की जगह पे k+1 फैक्टोरियल आना था तो वो यहाँ पे आ गया। सेम इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है तो वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमने बर्नौलीज इक्वेशन इस्टेब्लिश करनी है इस चीज़ से, 1+a इज़ ग्रेटर देन 0 और देन ये जो है ये चीज़ हमने प्रूव करनी है फॉर एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब इसमें हमने क्या करना है कि हम इसको यूँ करेंगे कि पहले फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 के लिए किया तो 1+a जो है यहाँ पे 1 पुट किया ना, तो 1+a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1+a हो गया क्योंकि n की जगह पे 1 आ गया था, तो ये ट्रू प्रूव हो गया। के लिए हमने सपोज कर लिया कि ये ट्रू है तो हमारे पास ये आ गया। अब 1+a होल पावर k ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 1+k a के, तो इसके मुताबिक फिर 1+a होल पावर k+1 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर k+1, ठीक है, 1+a होल पावर k+1, इसके लिए अब हमने प्रूव करना है ये कि यहाँ पे हमने n की जगह पे k पुट किया था, अब ये चीज़ जो है हमने प्रूव करनी है। तो 1+a होल पावर k+1 को हम यूँ अलग अलग भी लिख सकते हैं कि पहले k की पावर और फिर इसकी पावर भी यहाँ पे 1 है, तो ऐड होके वो ये बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने इससे 1+a होल पावर k, ये हमारे पास किसके इक्वल था, 1+ka से, ठीक है, ये यहाँ पे था कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिस 1 है, 1+a होल पावर k ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1+ka है, तो यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1+ka और साथ में 1+a आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से एक टर्म को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है, तो अगर ये इसमें से एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगी तो फिर ये वाली टर्म छोटी हो जाएगी और ये वाली टर्म बड़ी ही रहेगी, यानी 1+a होल पावर k+1। अब इधर हमने क्या किया कि a कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 1+k+1, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये जो चीज़ है 1+a होल पावर n, यानी 1+a होल पावर n, n की जगह पे k+1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है हमारे पास 1+na, यानी 1+k+1 × a, तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया है। हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने उन्होंने कहा है कि आपने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए इस सीरीज़ को प्रूव करना है, तो सेम वही प्रोसेस के फॉर एन इज इक्वल टू 1 पहले हम लेंगे, फिर हमने इसे जो है कि फॉर एन इज इक्वल टू के लिए प्रूव कर देना है कि सपोज कर लेना कि हमारे पास ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे n की जगह पे हमने k पुट कर दिया। उसके बाद मैंने हर क्वेश्चन में ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की है कि हमने k की जगह पे k+1 बस पुट कर देना और जो आंसर आएगा उसको हमने इस इक्वेशन में ऐड कर देना है अगर सीरीज़ में ऐड है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हम करेंगे कि ये k+1 होल स्केयर को बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया, उसके बाद सिर्फ सिंपल इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन कर देनी है कि 2 − 1/k+1 × k+1/k, यानी यहाँ से 1/k+1 अगर कॉमन लें तो हमारे पास ये रह गया, उसके बाद 2 − 1/k+1 × LCM लिया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। LCM लेने के बाद हमने इसका स्क्वेयर ओपन किया तो ये चीज़ बन गई, फिर उसके बाद इसकी सिंपल कैलकुलेशन की और यहाँ पे आके k कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको यहाँ से देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक इंटीजर है, ठीक है, जब इंटीजर इस इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वो भी हमारे पास इंटीजर होगा और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि 2 − 1/n था तो यहाँ पे जो है n की जगह पे हमने k+1 पुट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका बी पार्ट में है हमारे पास कि ये हमारे पास सीरीज दी हुई है, ठीक है, इसमें अब इज इक्वल टू का साइन है, पिछले में लेस देन एंड इक्वल टू का साइन था, इधर फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने कह दिया, सॉल्व कर दिया n की जगह पे 1 पुट करके कि ये हमारे पास ट्रू है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए हम सपोज कर लेंगे कि ये ट्रू है और k+1 को हम इधर ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें हम k+1 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सीरीज में ऐड कर देंगे, ऐड करके इसको यहाँ से 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसके बाद इसको ये 2k × यहाँ पे भी 2 है तो इसे 2k+1 लिख सकते हैं, दोनों सेम है डिनोमिनेटर्स, तो इसका LCM ये आ गया। इसको सॉल्व किया, कैलकुलेशन की, सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आ गया k+3 को हम लिख सकते हैं k+1 प्लस
प्लस टू, ठीक है। तो ये वही चीज़ आ गया कि टू माइनस एन प्लस टू ओवर टू एन था, तो एन की जगह पे हमारे पास के प्लस वन आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उन्होंने कहा है कि शो दैट एक्सप्रेशन ये इज़ इंटीजर। हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास इंटीजर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम फॉर एन इज इक्वल टू जीरो सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो कंडीशन है वो दी है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो है तो अब इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिस तरह पीछे कुछ क्वेश्चन में फोर था तो फोर से स्टार्ट किया था, वन होता है तो वन से, जीरो है तो जीरो से स्टार्ट किया, एन की जगह पे जीरो पुट किया, तो ये प्रूव हो गया कि ये इंटीजर है। एन इज इक्वल टू के लिए सपोज कर लिया कि वो इंटीजर है, यानी के पुट किया। अब हमने के प्लस वन के लिए भी प्रूव करना है कि ये हमारे पास इंटीजर होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि एन की जगह पे हमने के प्लस वन पुट कर दिया, यहाँ पे भी के प्लस वन। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया टू के प्लस टू होल फैक्टोरियल ओवर टू के इंटू टू, इसको अलग अलग करके लिख दिया, इंटू के प्लस वन होल फैक्टोरियल का हमने फैक्टोरियल ओपन किया तो ये आ गया के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल। अब टू के प्लस टू, ठीक है, इससे अगली टर्म टू के प्लस वन और इससे अगली टू के, तो ये यानी अब फैक्टोरियल इधर आ गया, ये रूल हमने पहले पढ़ा है, ओवर टू के इंटू टू के प्लस वन ओवर के फैक्टोरियल। ये जब मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा टू के प्लस टू, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बाकी रहेगा टू के प्लस वन इंटू टू के फैक्टोरियल ओवर टू के इंटू के फैक्टोरियल। तो इस तरह ये चीज़ जो थी, इतनी चीज़ ये हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन थी, ठीक है। तो ये हमारे पास था, उन्होंने कहा था कि ये मतलब कि क्वेश्चन में मेंशन थी और एन की जगह पे के पुट किया था, तो हमने ये जो चीज़ है इसको हमने क्वेश्चन में यहाँ पे के की जगह पे एन था और हमने कहा था कि सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रू है, तो मतलब कि ये इंटीजर है। अब इंटीजर अगर किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वो भी इंटीजर होगा, तो इस तरह प्रूव हो गया कि टू के प्लस वन भी हमारे पास फिर एक इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एन ऑड होगा तो हमने ये काम करना है और अगर एन इवन होगा तो हमने उसका हाफ कर देना है। तो हम क्या करेंगे, साथ ही उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि ये हमारे पास एक जो कंजेक्चर है ये क्लेम करता है कि फॉर एनी इंटीजर एन ग्रेटर देन वन, हमारे पास एन की जो वैल्यू आएगी उसको हमने अगले फंक्शन में पुट करके नेक्स्ट वैल्यू बना देनी है, उसको अगले में पुट करके नेक्स्ट वैल्यू बना देनी है। तो इसको हमने फॉर एन इज इक्वल टू 21 और फॉर एन इज इक्वल टू 23 के लिए इसे सॉल्व करना है और तब तक सॉल्व करना है इवेंचुअली अब हमारी जो वैल्यू है वो रीच करे इंटीजर वन पे। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन में, फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या करना है कि एन इज इक्वल टू 21 के लिए पहले चेक किया, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, टी ऑफ एन, एन की जगह 21 पुट कर दिया। अब 21 क्या है हमारे पास, ऑड है, तो 21 ऑड है, तो अगर ऑड था तो हमने क्या करना था, 3n प्लस 1 ओवर 2, n की जगह पे 21 पुट किया, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास बना 32, तो 32 आ जाएगा। अब उन्होंने कहा था कि जो आंसर आएगा, जो tn आएगा उसको अगले फंक्शन में पुट कर देना है, ठीक है। तो इसको अब अगले में पुट किया, t ऑफ 32, ये हमारे पास अब इवन है, इवन होगा तो इसका हाफ करना था, 16 आ गया। 16 को मजीद पुट किया, ये इवन है, इसका हाफ 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया और हमारी वैल्यू 1 पे पहुंच गई। सेम इसी तरह 23 के लिए प्रूव करना है कि 23 है, ऑड है, तो 3n प्लस 1 ओवर 2, इस तरह करके सॉल्व करते करते हमने इसको तब तक सॉल्व करते जाना होता है जब तक हमारी वैल्यू जो है वो 1 तक ना पहुंच जाए। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने कहा है कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स ए एन जो हैं वो डिफाइंड इस तरह है कि पहला जो ए वन है वो वन है, ए टू टू है, ए थ्री हमारे पास थ्री होगा, ये वो। तो जो nth टर्म है वो हमारे पास थ्री टर्म्स का सम होता है, यानी nth टर्म जो है वो उससे पिछली तीन टर्म्स का सम होगा, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो वो कह रहे हैं कि सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन को यूज़ करते हुए ये प्रूव कर रहे हैं कि ए एन फिर लेस देन 2 की पावर n होता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ए एन हमारे पास गिवन है कि ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, फॉर एन इज इक्वल टू 4 क्योंकि कंडीशन दी हुई है, 4 के लिए इसको चेक किया तो ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है, n हमने 4 के लिए देखना है, लेस देन एंड इक्वल टू 2 की पावर n की जगह पे 4 आ गया। अब हमने ए 4 जो है वो किसके इक्वल होना है, ए 3 प्लस ए 2 प्लस ए 1 के, ठीक है, यानी ए 4 से पिछले तीन टर्म्स।
तो वो हमें गिवन है कि वो 3, 2 और 1 है, तो इनको ऐड किया तो ये 6 बना। इसका मतलब है A4 हमारे पास 6 है, तो 2 की पावर 4 16 होती है। तो इस तरह ये प्रूव हो गया कि 6 less than 16 है, ये ट्रू प्रूव हो गया। K के लिए हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास ट्रू है। तो K+1 के लिए हम इसे किस तरह करेंगे कि A की पावर K+1, ये पिछली तीन टर्म्स का सम है ना, यानी A K+1 -1, AK बन गया। उसके बाद N-2 है तो N की जगह K+1 -2, K-1 बन गया, और ये K-2 उसके बाद बन गया। ठीक है, जब हमने N-3 में N की जगह पे K+1 पुट किया तो ये K-2 बन गया। अब हमारे पास जो ये था कि An जो है वो less than 2 की पावर n है, इसका मतलब है An < 2 की पावर n है, यानी n की जगह पे k। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ ये मतलब कि उसकी पावर्स हैं, तो ये अब पावर्स में आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी पावर्स बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2k + 2k - 1, और यहाँ पे 2k - 1 लिखेंगे क्योंकि अब हमें ग्रेटर टर्म चाहिए। ठीक है, हमने क्योंकि सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हमने क्या यूज़ करें, तो सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में हमने उससे ग्रेटर टर्म देखनी है। ठीक है, तो 2k - 2 की जो ग्रेटर टर्म है वो हमारे पास 2k - 1 होती है। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है AK, यहाँ पे k आना चाहिए, AK < 2 की पावर K+1 के, AK+1 < 2 की पावर K+1। तो उसको प्रूव करने के लिए, ताकि हमारा इस तरह के सिंपल सिंपल से जो है वो आंसर्स आएँ, कि हमारा फाइनली जो प्रूव है वो आसानी से हो सके कंप्लीट, तो हम क्या करेंगे कि उससे ग्रेटर टर्म ले ली, 2k यहाँ से कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 1 + 1/2 + 1/2। 2k अब यहाँ पे कॉमन लिया था, इसका एलसीएम लिया, ये आ गया, इसको सॉल्व किया 2 आ गया। तो इधर k है, इधर इसकी पावर 1 है, तो इसे हम 2 की पावर K+1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये जो थ्योरम है ये प्रूव हो जाएगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि इफ़ द नंबर्स ए एन आर डिफाइंड बाय, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, और ए एन जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, फॉर एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, देन हमने प्रूव करना है कि जो nth टर्म है यानी ए एन है वो इसके इक्वल होगी फॉर एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। यानी अगर एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 था देन ये था, और अगर ये एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 आती है देन हमारे पास ये होगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास A1 जो है वो है 11 और A2 है हमारे पास 21 और An हमारे पास जो है दिया हुआ 3a - 1 - 2an - 2। ठीक है, फॉर एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, टू प्रूव हमने ये चीज़ करनी है। फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए पहले देखेंगे, तो हमने यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट किया तो 11 = 11 हमारे पास ट्रू प्रूव हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो थी वो हमारे पास 11 थी। k के लिए हमने इसको जो है एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि हमारे पास ट्रू है। ठीक है, अब K+1 के लिए हम क्या करेंगे, K+1 के लिए हम देखेंगे कि AK+1 यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इसमें हम n की जगह पे K+1 पुट कर देंगे। ठीक है, n की जगह पे K+1 इस इक्वेशन में, तो ये बन गया AK+1 3A this 1। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये प्लस और माइनस कैंसिल, 3AK बन गया, -2AK - 1 बन गया, इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 3 × 5 = 15, 2K वैसे ही, प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ 3 बन गया, -5 वैसे ही, 2 की पावर K - 1 + 1। ठीक है, क्योंकि इसकी भी एक पावर 1 इसके साथ ऐड हुई है, और ये -2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया। ये चीज़ कहाँ से आई थी वो पता चल गया होगा कि जो हमारे पास AK है, ठीक है, AK हमारे पास इक्वल था इस चीज़ के, तो उस AK की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया हुआ। ठीक है, इसको जब यहाँ पे पुट किया और उसके बाद इसकी आगे जो है इसको सॉल्व करेंगे, 15 - 5 = 10, 2 की पावर K वैसे ही, और साथ में +1, ये +3 और -2, ये बन जाएगा 1। ठीक है, अब 10 को हम 5.2 भी लिख सकते हैं, साथ 2K है +1 है, तो ये जो चीज़ है ये बन जाएगी K+1 क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो 5 × 2 की पावर K+1 और ये +1, तो ये 5 × 2 की पावर N+1, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, 5 × 2 की पावर N+1
तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो इस तरह ही हमारे पास प्रूव हो गया है। तो एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।